हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित अहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वेलकम टू थिंक आवर एकेडमी पावर्ड बाय एफटीएस। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, बात यह है कि इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट, छोटा वीडियो है, कोई ज्यादा लंबा नहीं रखना है इसको। और बात यह है कि जो ये दो मेन आपके पास टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इनको बोर्ड पे लेके जाके समझाना समझाना इज प्रीटी यूजलेस, ठीक है। अब बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, और ये कई मेरे जो टेक्निकल टेक्नीशियन फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ डिस्कस ये होता रहता है कि यार अमित भाई, ये जो गाड़ियां हैं एडास, खैर एडास कोई नया नहीं है, एडास को आए हुए इंडिया में अभी आया है, और इसने एकदम ही स्पीड पकड़ ली है कि आपके पहले हम लोग एडास वगैरह मर्सिडीज या पोर्शे या इन तरीके की गाड़ियों में कन्फाइन देखते थे। आज की डेट में प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, एडास जो है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उसमें हमें जाने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एडास में अगर मेरे गाड़ी में फुल एडास है, जिसमें कि जो मेन चीज है अडैप्टिव क्रू कंट्रोल है, लाइडार है, रेडार है, अल्ट्रासोनिक 360 डिग्री कैमरा, लेन डिपार्चर, ब्ला 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 सब कुछ, तो अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम आती है उस गाड़ी में जो फुल एडास है, फुल एडास में जो प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपको जो उसका स्पेशल टूल है, स्कैनर्स में आपने देखा होगा कि जी एक आइकॉन बना होता है एडास, एडास आपका तब तक काम करेगा, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ज्यादा अपना दिमाग लगाने की वो करने की जरूरत नहीं है। एडास का जो कैलिब्रेशन इक्विपमेंट आता है वो कम से कम इंडिया में लैंड करेगा 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम, जो मोबाइल यूनिट है। तो मोबाइल यूनिट माय फ्रेंड्स, मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लगता कि एडास का कोई भी टेक्नीशियन इतने पैसे लगा के एक कैलिब्रेशन के लिए लेगा। भाई बात ये है, बहुत सारे टेक्नीशियंस यूएस में एंड अब्रॉड वो लोग काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्कशॉप वाले, वो उनका काम जाने वो दूसरी कंट्री है। हमारी कंट्री में डीलरशिप्स के पास अभी तक इक्विपमेंट आया नहीं है, तो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप की तो बात ही छोड़ो। और दूसरी एक और बात है, हमें जरूरत भी क्या है, ओके। और जो दूसरी चीज है वो है आपकी जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल दोनों अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग चीजें हैं। दोनों में हमारे को स्पेशल इक्विपमेंट्स, खासकर जो मेनली जो इलेक्ट्रिकल साइड है, जब वो हाइब्रिड में भी वो ईवी पे चलती है, राइट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और जो प्योर इलेक्ट्रिकल है बीईवी जो है, जिसे हम बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल या प्लग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल या जो भी है, वो तो प्योर इलेक्ट्रिक है, उसमें कोई इंटरनल कम्बशन इंजन नहीं है। अब ये और दोनों में एडास में कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, एडास में आपको ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी बताया गया है वो आपका, जब आप अपने स्कैनर में प्लग इन करोगे और आप बोलोगे, जैसे आपने कहा कि साहब मैं टोयोटा की ये जो एडास सिस्टम है उसको कैलिब्रेट कर रहा हूं, तो वो आपको पूरा पैरामीटर आपसे मॉडल मॉडल पूछ के बता देगा कि भैया ये यहाँ पे लगाना है, इधर से 40 मीटर गिनना है, इधर से ये करना है, वो लेजर गाइडेड सारा कुछ होता है, लंबा प्रोसेस है, 3-4-5 घंटे लग जाते हैं। तो एंड दूसरा तरीका ये होता है कि आजकल फोर्ड वालों ने नया निकाला है, जिसे वो बोलते हैं एक्टिव एडास। एक्टिव एडास में क्या है, आपने स्कैनर लगाया और वो अगर मैन्युफैक्चरर ने करा है तो ही आप कर पाओगे। स्कैनर लगाया, एडास खोला, वो आपको बोलेगा कि जी इतने इस सीधी रोड पे ले जाओ जहां पे राइट साइड में बिल्डिंग हो, लेफ्ट साइड में ट्री हो, ये हो वो हो। कहना ये है कि वो अपने जो कैमरा है अपने पॉइंट्स को कैलिब्रेट करता है, तो वो आपको लंबी ड्राइव पे ले जाएगा एंड एवरीथिंग, तो आपका वो कैलिब्रेशन हो जाती है। कुछ गाड़ियों में दोनों है, जो आपका स्टैटिक, जिसमें कि हम एक तरीके से अलाइनमेंट की तरह वो दिखता है, स्टैटिक एडास को कैलिब्रेट करते हैं और एक्टिव करते हैं।
सो एनीवे ये वो अलग चीज है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मैंने आपसे जिक्र कर ही दिया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारे पास यू नो जब तक एडवांस ट्रेनिंग नहीं है उसमें तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इक्विपमेंट है वो कहना आसान है लेकिन बहुत महंगा है, मतलब एक एक चीज बहुत महंगी है। और थिंक कार ने अपना पूरा वो निकाला है, बट बात ये है उसका मैं किट के बारे में कभी किसी और टाइम में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जिनको ईवी के बारे में समझ है वही उस किट को समझ सकते हैं, वो बाकी के लिए वो किसी काम का नहीं है। नाउ द मेन मुद्दा ये है कि जो सवाल आया टेक्नीशियन से वो ये है कि भाई इस चेंज सिनेरियो में हम क्या करें, कि हम लोग क्या करें अगर मारुति भी आपकी पार्शियल एडास पे आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल एडास है, पार्शियल भी है, हुंडई है आपकी, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे एक्सयूवी 700 है वो तो कंप्लीट एडास है, एंड बहुत सारी अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें एडास कोई नई चीज नहीं है। तो बेसिकली अब कहा यह जाए कि साहब ऐसा है इसका इक्विपमेंट 15-20 लाख रुपए का, उसका इक्विपमेंट 10-15 लाख प्लस ट्रेनिंग का है, तो भैया हम क्या करें। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो यही इसी टॉपिक पे है कि आप और मैं एक एज अ ऑर्डिनरी टेक्नीशियन हम क्या कर सकते हैं इस चेंज सिनेरियो में। और सरप्राइजिंगली अगर हम थोड़ी सी अपनी यू नो विवेक बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टेप वन पे मैं आता हूं कि ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। नाउ सबसे बड़ी बात यह है उसमें तो वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो आपका जो गाड़ी है वो तो स्कैन होगी, वो तो इंटरनल कंबशन इंजन है, भले डीजल हो पेट्रोल हो फ्लेक्सी फ्यूल हो जो मर्जी हो, ठीक है। और अभी हम हाइब्रिड हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जो नॉर्मल गाड़ी है XUV 700 है तो यू नो नॉर्मल है, बट उसमें फर्क क्या है ADAS है। अब ADAS जो है मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि अगर अब जब ADAS है ADAS में क्या है मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं कि अगर एक टायर की हवा कम हो जाती है साइंटिफिकली उसका जो यू नो जो वो चक्के जो घूमते हैं क्योंकि वो टायर छोटा हो जाता है जब हवा कम हो जाती है एज कंपेयर टू बाकी तीन टायर, जब वो छोटा होगा तो वो जो है व्हील स्पिन वो ये ECM मतलब जो उसका कंट्रोलर है वो ये देखेगा कि गाड़ी जो है व्हील स्पिन कर रही, व्हील स्पिन ऑन हो गया, सो वो सबसे पहले ADAS को डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि व्हील स्पिन का मतलब ये है कि गाड़ी जो है अब सीधा चलने की जगह है वो एक जगह को वो ट्रैक्शन जो है वो अपने तरफ से ट्रैक्शन कंट्रोल करेगा लेकिन वो एक तरफ से वो मुड़ने के चांसेस है और मुड़ेगी तो वो ADAS स्विच ऑफ हो जाएगा। यू नो आपकी बैटरी डाउन है यू नो बहुत सारे सिस्टम्स आपके पागल हो जाएंगे। सो अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि मैं एक हम एक नॉर्मल टेक्नीशियन है तो हमारे जो नॉर्मल स्कैनर्स है, मैंने क्यों इसका हर बार बोला है कि मेरे ख्याल से दुनिया का ये सबसे अच्छा इस प्राइस का स्कैनर है, इससे अच्छा कोई स्कैनर नहीं है, उसकी वजह कि अगर हम लोग एक स्कैनर में जो कि 62,000-63,000 रुपए का स्कैनर है इसके साथ हम छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं जैसे TPMS ले लिया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉरी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, अगर अगर जितनी भी गाड़ी ADAS है मेरी फ्रेंड माई फ्रेंड्स उनमें सब में TPMS लगा हुआ है, ओके कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें TPMS नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो आपकी व्हीकल स्टेबिलिटी है उससे आएगी। TPMS अगर हमारे को काम इतना आता है तो हम लोग क्यों TPMS की तरफ नहीं देख रहे, हमारा रुझान ही नहीं, तो दैट इज वन थिंग। दूसरा इसके अंदर ब्लूटूथ वो बैटरी टेस्टर आता है, कोई भी गाड़ी ADAS की हो अल्टीमेटली है तो उसकी बैटरी भाई बैटरी पे ही तो चलेगा सब कुछ, तो और जितना वो जितने ज्यादा सिस्टम होंगे वो बैटरी उतनी कंज्यूम करेगी। तो अपार्ट फ्रॉम दी फैक्ट अगर हम ये दो चीजें ले लेते हैं कि साहब ऐसा है कि मेरे को स्कैनर के साथ TPMS भी चाहिए और मेरे को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो बैटरी टेस्टर है एंड ऑल्टरनेटर टेस्टर एंड एवरीथिंग वो ले लेते हैं, हमारा काम खत्म, मतलब
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीडियोस्कोप लो, थर्मल इमेजर लो, ये बात की बातें हैं, ऑसिलो लो, ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे अच्छा टूल है क्योंकि ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये अकेले से छोटे से टूल में 62-63 हजार के टूल में आ जाते हैं और जिसमें कि प्रिंटर भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ऐसा कोई मेरे को कोई दूसरा टूल दिखा दो जिसमें कि ये सारी चीजें इंकॉर्पोरेट हो जाए, कि उसमें ऑसिलो भी आ जाए, उसमें बैटरी टेस्टर भी आ जाए, उसमें आपका TPMS भी आ जाए, थर्मल कैमरा भी आ जाए, आपका वीडियोस्कोप भी आ जाए, यू नो वर्क लाइट व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, कोई नहीं। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अगेन सेम चीज, हर इलेक्ट्रिकल गाड़ी में जो टायर डायनेमिक्स है, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड वो साइंस है, पर आपको मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, जो आपके टायर डायनेमिक्स है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है नॉर्मल आपके इंटरनल कंबशन इंजन से ज्यादा भारी है, तो उसका जो टायर जो है वो रीइंफोर्स्ड टायर होते हैं और टायर प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि माय फ्रेंड्स जो लिथियम बैटरी है वो बहुत ही अनस्टेबल है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अगर जरा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो आप ये समझिए कि आपके लिए मुसीबत आ गई लिथियम आयन बैटरी में। सो टायर के ऊपर अगेन सेम थिंग, अगर मेरा टायर प्रेशर का लॉस है भाई साहब, जो टायर है जो जिसमें हवा कम है वो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा लेगा, हीट ज्यादा जनरेट करेगा, बैटरी पैक के ऊपर वो ज्यादा लोड आएगा और बैटरी गर्म होगी, तो आपका स्ट्रेट अवे TPMS उसमें काम आता है। हर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाहे वो यू नो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो हाइब्रिड हो या कुछ भी हो, आपका जो नॉर्मल जो 12 वोल्ट की बैटरी जिसे हम बोलते हैं वो हर गाड़ी में लगी हुई है, चाहे वो लेड एसिड हो, AGM हो, व्हाटएवर, मतलब वो अगर काम नहीं करेगी तो आपका हाई जो वोल्टेज है सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, यू नो जिसको आगे एडवांस ट्रेनिंग्स करनी है करो, बहुत अच्छी बात है एंड डू इट, बट बात ये है बहुत सारे लोगों का ये आया था कि यार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है भाई। बात ये है आपका अगर गाड़ियों में TPMS की लाइट अगर जरा सी TPMS की लाइट जल गई तो आपको प्रोग्रामिंग TPMS की करनी ही पड़ेगी, अगर आपकी बैटरी मर रही है तो आपको करनी ही, बैटरी को आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, मैं हाई वोल्टेज की बात ही नहीं कर रहा, हम ADAS की कैलिब्रेशन किट की बात ही नहीं कर रहे। अगर हम एक छोटा सा अपना स्कैनर लेते हैं, एक बैटरी टेस्टर लेते हैं और एक हमारा TPMS लेते हैं, आई थिंक कंप्लीट है। अब मसला क्या है, मैं इसको क्यों प्रमोट करता हूं और इसको थोड़ा कम करता हूं, कम इन द सेंस कि जिनका बजट बिल्कुल ही लिमिटेड है यार, वो फिर थिंक टूल रीडर हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका जो OBD प्रोटोकॉल है ये सब में सेम है एंड एवरीथिंग। माय पॉइंट है नए जमाने में और जो नए सिस्टम्स हैं उसमें आप अपना दिमाग के जो यू नो बत्तियां उनको खोल लो, हमारे को ये नहीं देखना है कि यू नो EV या ADAS वाली गाड़ियां या जितने भी मल्टीपल सिस्टम्स आएंगे, यू नो एक्टिव चेसी मैनेजमेंट सिस्टम ब्ला 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 जो भी आएंगे, उसमें हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कैनर है और उसके साथ कुछ दूसरे टूल्स हैं भाई। बात ये है और मैं आपको बता दूं, जिन गाड़ियों में TPMS लगा होता है, क्योंकि आपको जिनको ये चीज का मालूम नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी है TPMS की और जो फ्रीक्वेंसी हमारी ये चाबियों की है, यू नो दो रिमोट वाली, उनकी फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली सेम है, मे बी हाफ अ मेगाहर्ट्ज इधर उधर, और वो आपस में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वो भी फ्रीक्वेंसी में चलते हैं, आपके जो रेडार है वो भी फ्रीक्वेंसी है, लाइडार भी फ्रीक्वेंसी है, आपके जो यू नो चाबी वगैरह के जो सिस्टम है एंटी थेफ्ट सिस्टम वो भी फ्रीक्वेंसी है, TPMS भी फ्रीक्वेंसी है, चारों तरफ का जो कैमरा है व्हाटएवर जो यू नो लेन डिपार्चर ब्ला 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 वो सब कुछ, ये आपस में ये क्लैश होते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी में, और सबसे पहले उसकी जो प्रॉब्लम आती है वो TPMS आती है। तो TPMS
मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अगर आप इसमें, क्योंकि सस्ता वाला टूल है, कोई ज्यादा महंगा नहीं, तो आई थिंक 12-13 हजार रुपए का टूल है। बैटरी टेस्टर अगेन अबाउट 6,000-6,500 6,500 रुपए का टूल है। जब भी आप अब स्कैनर के लिए सोचें, तो आप थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ यू नो पैसे लगाने में 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, अब वो जमाना चला गया। प्रोग्रामिंग जो है 2018 के बाद, 2019 के बाद की गाड़ियां, रादर 2020 के बाद प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करनी नई गाड़ियों में इम्पॉसिबल है, हाल फिलहाल का जो सिनेरियो है। और अगर प्रोग्रामिंग भी करनी है तो यू नो, तो माय ओनली पॉइंट इज कि हम लोग एक रिपेयर वर्कशॉप है, हम लोगों को यह देखना है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी है, हमें, हमारा बजट लिमिटेड है, पागलों की तरह लाखों लाखों करोड़ रुपए नहीं है जिनके पास, भैया जिनका एक्सीडेंट वगैरह का काम है, जिनका टायर व्हील अलाइनमेंट वगैरह का काम है, उनको एडास लगाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, नहीं तो वो एडास की गाड़ी नहीं कर पाएंगे, गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी और मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से बॉटम लाइन है बिफोर आई एंड द वीडियो माय फ्रेंड्स, कि ये जितने भी टूल्स हैं ये आगे जाके जैसे भी ये काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी उनके बारे में जिक्र करना बहुत सारा, मैं आपको ऑसिलो वगैरह सब कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन यू नो आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आपको जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जब वो करेंगे हम, तो आपको दिखाऊंगा कि टेम्परेचर जो है कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और कितनी दिक्कत है। बट एनी विच वे एडास में टायर टेम्परेचर क्या है, यू नो कि कई बार क्या है, हमारे बहुत सारी चीजें यार कैलिपर्स टक है, यू नो एक तरफ की ब्रेक लग रही है और एक तरफ की एक तरफ की कंटिन्यूस ब्रेक लग रही है और एक तरफ की, बहुत सारी चीजें हैं माय फ्रेंड्स। और वो टीपीएमएस की लाइट ऑन हो जाएगी, एरर कोड आएगा, स्कैनर आपका एरर कोड क्लियर करेगा, टीपीएमएस की जो जो कंट्रोलर है उसकी प्रोग्रामिंग आपका टूल करेगा। और अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर उसकी वो जो टूटी है, यू नो दैट जिसे हम हवा भरते हैं, अगर वो गलती में खराब हो गई, तो अगर आप कंपनी में लेके जाओगे तो एक टूटी 7-8 हजार कुछ रुपए की है, एक यू नो प्रॉब्ली किया और अटे ओटा और समथिंग, और वही आपको बाहर जो है मेरे ख्याल से 12-1400 रुपए की इस किट में आती है। सो देयर इज मनी, मनी टीपीएमएस में बहुत है, आपका जो भी है गाड़ियां हैं और ये सिस्टम्स हैं उनमें जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी इतनी महंगी नहीं है। अपना जो डिसीजन है सोच समझ के लीजिए, और ये जो वीडियोस हैं आई कीप, ज्यादा मैं इनको कॉम्प्लिकेट वगैरह नहीं करूंगा, कोई करने की फायदा भी नहीं है, सिंपल रखेंगे, स्ट्रेट एंड सिंपल टू द पॉइंट कि क्या हमारे को चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो टिल वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।